फ्रेंड, जैसे कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास है होंडा की मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमी सेगमेंट की बेस्ट बाइक होंडा लिवो 110 BS6 FI वाली वेरिएंट है। लुक वाइज आप देख पा रहे हैं कितनी स्पोर्टी दिख रही है ये बाइक। होंडा लिवो मैट ग्रे में है ये वर्जन, और आज कंप्लीट इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ इसके अंदर चेंजेस है और क्या क्या चीज़ इसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और आज इस वीडियो में कंप्लीट आपको इन फ्यूचर डिटेल बताएंगे क्या क्या चीज़ इसके अंदर ऐड किया गया। पहले तो आप सभी को पता होगा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी, इसकी सीट हाइट कितनी है और इसके जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्या है, तो बट उन सारे चीज़ों को हम अभी जो इग्नोर करके बात करेंगे इसके अंदर कितने सेंसर लगे हुए हैं, कितने एक्चुएटर लगे हुए हैं, बाय द वे वो प्रॉब्लम आ जाता है तो किस तरह से प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट और सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल BS6 रिलेटेड वीडियो लाते रहें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं। अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आप डिसाइड कर लीजिएगा कि बाइक आपके काबिल है या नहीं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे एस्टिमेट कंसोल के बारे में बात करेंगे, तो देख पा रहे हैं इसके जो कॉम्बिनेशन है डिजिटल और एनालॉग दोनों का बेटर कॉम्बिनेशन करके इसको डिज़ाइन किया गया है। बात करें अगर होंडा SP 125 का, तो उसमें कहा है कि आपको फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है जिसमें आपको फीचर्स ज़्यादा प्रोवाइड किए गए हैं, बट 110 वाले लिवो में आपको थोड़े से कम फीचर्स मिलते हैं। बट इसमें क्या क्या फीचर्स है उसी के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही इग्निशन को ऑन करेंगे तो आपको दिख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आपको फीचर्स दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख पा रहे हैं इस जगह पर आपको मिल जाएगा एनालॉग वाला मीटर, और यही हमारा जो है स्पीड सेंस करता है कि कितने किलोमीटर पर आवर हमारी गाड़ी रन हो रही है, जो हमारा एनालॉग में डिजाइन किया गया है। प्लस इस तरह से आपको छोटा सा एक स्पोर्टी डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रिप 1 का, ट्रिप 2 का और टोटल किलोमीटर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंप्लीट। और यहाँ पे अगर साइड में आप अगर देखें तो इस जगह पे आपको टाइम का भी ऑप्शन मिलता है, कितना भी आपका टाइम हो रहा है वो भी आप यहाँ से मेंशन किया हुआ यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड बात कर लें कुछ खास फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल का एक सिंबल देखने को मिल जाएगा जिससे आपको ये सेंस होता है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको हाई बीम का एक सिंबल देखने को मिल जाएगा, इस तरह से ये हाई बीम का यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे साइड इंडिकेटर का सिंबल मिल जाएगा, और चौथे नंबर पे आपको एक यहाँ पे चेक इंजन लाइट का एरर कोड देखने को मिलेगा इस जगह पे ऊपर वाले पोर्शन में, और इसके इस जगह पे आपको फ्यूल इंडिकेट का ऑप्शन मिल जाता है। और सबसे टॉप वाले डिजिटल स्पीडोमीटर में आपको सर्विस रिमाइंडर मिल जाएगा, जैसे इग्निशन को ऑन करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर्विस इंडिकेटर। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हमें मिस करना पड़ रहा है, जो इसमें आपको रेंज नहीं बताया गया कितने किलोमीटर में हमारे कितने पेट्रोल में कितने किलोमीटर तय करेगी वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस जो हमारा रेंज गाड़ी शो नहीं करेगा और कितने की माइलेज एवरेज निकाल रही वो शो नहीं करेगा, और गियर इंडिकेटर का पोजीशन नहीं मिलता है। तो ये इसके मीटर के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करते हैं इसके सेंसर कितनी गाड़ी में लगे हुए हैं और कहाँ पर कौन सा एक्चुएटर लगे हुए हैं, कम्प्लीट डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा जब भी हम बाइक की रिव्यू करते हैं कम्प्लीट इन साइड यानी अंदर की बातें को बताते हैं, बाहर की वीडियो बहुत सारे बंदे देख चुके होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसके सीट पैनल को ओपन करते हैं, और इसके सीट को ओपन करके आपको हम दिखाते हैं कहाँ पे कौन से सेंसर टाइट हैं। तो इस जगह पे आपको एक जो दिख रहा होगा इस जगह पे लगा हुआ गियर शाफ्ट के मेन वाले स्पोकेट शाफ्ट में, ये इसका इस जगह पे स्पीडो सेंसर दिया गया, यहीं से हमारी गाड़ी कंप्लीट सेंस होती है। क्योंकि इसके फ्रंट वाले व्हील में अगर दिखा दे इस जगह पे आपको कोई इस जगह से केबल कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही इसके अंदर मीटर पिनियन या मीटर केबल अटैच किया गया जिससे हमारा जो मीटर चलता हो। तो एनालॉग वाला मीटर होने के बावजूद भी ये मीटर हमारा डिजिटल काम करता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसके सीट पर और सीट को ओपन करके आपको और भी सेंसर्स के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सीट को ओपन करेंगे, तो इस जगह से की को पुश करेंगे और हमारा सीट क्या होगा कि इजीली ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड के पैनल को ओपन करेंगे। पैनल को ओपन करने के लिए सिर्फ सिंपली एक यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ओपन करेंगे और फाइनल हमारा पैनल ओपन हो जाएगा। इस जगह पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा लिवो, और ये 110 CC की गाड़ी होती है। चलिए इसको ओपन करते हैं फिर इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इजीली ओपन हो गया, सिर्फ सिंगल स्क्रू के मदद से ये टाइट होता है। उसके जो फ्यूल टैंक के अंदर जो हमारा काउल लगा हुआ है इसको भी हम यहाँ से इजीली रिमूव करके इस तरह से अपने और खींचेंगे तो ये निकल आएगा। और देख पा रहे एक बड़ा सा ASG स्टार्टर लगा हुआ, क्योंकि आप सभी को पता होगा BS6 की इन सभी गाड़ियों में आपको जो है सेल्फ मोटर देखने को नहीं मिलेगा, ESP से स्टार्ट होता है यानी इन हैंड स्मार्ट पावर कंप्लीट इसके अंदर लगाया गया है।
जो सिर्फ सेल्फ वाले बटन को आप प्रेस कीजिएगा और हमारी गाड़ी क्या होगी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो इस जगह पे इसका ब्लैक कलर का ASG लगाया, यानी 110 की CC की सेगमेंट की नीचे भी जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें ब्लैक ASG स्टार्टर आपको मिलेगा। और अगर आपके पास सिल्वर वाली ASG स्टार्टर आपको देखने को मिल जाए वो हमारा 125 CC का सेगमेंट होता है। प्लस इस जगह पे कुछ वायर्स के बारे में बात कर ले, इस जगह पे यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाएगा, इस जगह पे यहाँ पे आपको जो स्पीडो सेंसर का वायर मिल जाएगा और इस जगह पे इसका न्यूट्रल का एक सिंगल वायर जाएगा, ये आपको दिख पा रहा होगा, ये न्यूट्रल का वायर है। प्लस ये हमारा ASG स्टार्टर और इसी से हमारा वर्क करता है। और आप सभी को भाइयों को पता होगा कि होंडा की जितनी भी बाइक या स्कूटर है उसके जो फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल पंप लगा हुआ नहीं होता है, फ्यूल टैंक के बाहर लगा होता है, यहाँ पे इसका फ्यूल पंप लगा हुआ है। सबसे पहले प्रूफ के तौर पर क्या करेंगे, हम चाबी के इग्निशन को ऑन करेंगे और आपको माइक से साउंड सुनाएंगे कि हमारा जो मोटर किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम इग्निशन को ऑन करते हैं। तो फ्रेंड इसके इग्निशन को करते हैं और आप इसके साउंड को सुन सकते हैं। तो ये SP125 हो या फिर होंडा की जितनी भी बाइक या स्कूटर होती है, या ये क्या होता है कि इसके जो ये जो फ्यूल पंप का मोटर है एकदम हल्का सा साउंड करता है और हमारा फ्यूल का छिड़काव कर देता है और इसी से हमारा क्या होता है कंप्लीट फ्यूल का सप्लाई होती है, इसमें ऑन ऑफ का कोई सिस्टम नहीं होता है। चलिए इसके राइट साइड के पैनल को ओपन करते हैं, इसके सेंसर्स के बारे में जानकारी देते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेंसर लगे हुए हैं और एक्चुएटर कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड इसके सेंसर और एक्चुएटर के डिटेल देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पैनल को ओपन कर लेंगे हम। तो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और इसके फ्यूल टैंक के अंदर से यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे, ये देख पा रहे हैं इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे अपने और इस तरह से बाहर प्रेस करेंगे, सिर्फ सिंगल स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये टाइट होता है। और जैसे ही ओपन करेंगे इसके अंदर से आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इसका एक बड़ा सा बैटरी बॉक्स टाइट किया गया और इस जगह पे इसका OBD कनेक्ट करने के लिए चेकअप अडाप्टर दिया गया है। ये इसका OBD कनेक्टर लगा हुआ है, इसको हम नज़दीक से दिखाते हैं ये कितने पिन का है। तो इसमें कंप्लीट 4 वायर लगे हुए हैं, तो इसके जो OBD आप अलग से परचेस करना पड़ेगा, KTM या फिर हीरो वाली गाड़ियों का आपका इसमें नहीं इंस्टॉल कर सकते। आपको ओपन करके इसको हम दिखा देते हैं, इसमें एकदम पतले पतले नीडल दिए होते हैं, इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और बैक प्रेस करेंगे तो बाहर निकल आएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको ओपन करने के देख पा रहे हैं कितने पतले पतले इसके अंदर हॉल है हमारे OBD कनेक्टर के अंदर। तो इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, इसको अपने जगह पे इसको कर देते हैं असेंबल और हम आगे फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो फीचर्स के बारे में डिटेल देने से पहले क्या करेंगे, इसके सेंसर के बारे में बता देते हैं कौन कौन से सेंसर टाइट कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहला सेंसर जो इस जगह पे आपको मिल जाएगा ये हमारा है O2 सेंसर, O2 सेंसर यानी ऑक्सीजन सेंसर, और ये ECU को डिटेक्ट करके बताता है कि हमारा टेम्परेचर, ये ऑक्सीजन किस मात्रे में निकल रहा है वो ECU को डिटेक्ट करके बताता है। प्लस दूसरे नंबर का सेंसर यहाँ पे दिया गया थर्मल सेंसर, जो ECU को डिटेक्ट करके बताता है हमारा टेम्परेचर किस कंडीशन में है। ऊपर इस जगह पे आपको TPS सेंसर और TMAP सेंसर देखने को मिल जाएगा, TPS सेंसर यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर, TMAP सेंसर का जो काम होता है हमारा हवा का तापमान और प्रेशर को बताता है, और TPS सेंसर का जो काम होता है हमारा थ्रोटल कितना खुला हुआ वो ECU तक डिटेक्ट करके बताता है। और इसके फ्यूल टैंक के अंदर इसका बैक एंगल सेंसर लगा हुआ है जो ECU को डिटेक्ट करके बताता है कि हमारी गाड़ी लेफ्ट झुकी है या राइट झुकी है। एक्चुएटर इसके 4 हैं, एक है फ्यूल पंप, दूसरा थ्रोटल बॉडी, तीसरा हमारा इंजेक्टर और चौथा हमारा HT कॉइल। तो ये इसके सेंसर और एक्चुएटर है, 9 चीज़ें वर्क होता है के अंदर। और यहाँ पे इसका फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है, इन सारे चीज़ों के ऊपर अलग अलग से वीडियो बना दिए हैं, वो सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कैसे इसका मीटर चलता है, कैसे इसका फ्यूज बॉक्स वर्क करता है, कैसे इसका ASG स्टार्टर वर्क करता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे, आप इसके लुक देख पा रहे हैं कितनी अच्छी इसकी लुक है। और कोई भी बंदे इसको परचेज करना चाहते हैं तो अपना स्टेट का नाम नीचे मेंशन कर दे कमेंट बॉक्स में, उसको हम प्राइस मेंशन कर देंगे कितना इसका एक्स शोरूम प्राइस और कितना इसका ऑन रोड प्राइस है। कंप्लीट आपको इसके बारे में फीचर्स पता चल गया है कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके फ्यूल पंप यहाँ है, इसके इंजेक्टर के लाइन लगे हुए इस तरह से, और यहाँ पे इसका, तो फ्रेंड यहाँ पे इसके थ्रोटल बॉडी लगी हुई है और इसके अंदर से यहाँ से आप RPM को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और बहुत जल्द इसके थ्रोटल बॉडी की भी हम वीडियो लाएंगे और इसी तरह से कंप्लीट इसका सेंसर वर्क करता है। और कोई सी भी वायरिंग डिटेल या फिर कोई सी भी डिटेल की वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लाएँ। और इसके अगर फ्यूल टैंक को किस तरह से ओपन किया जाता है आपको नहीं पता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप इतने सारे फीचर्स को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बाइक लेने लायक है या नहीं। नीचे आप इसके जो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इसका प्राइस कितना दिया हुआ है।